हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल. सॉरी, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून. वेलकम टू माय चैनल सपना मनोहर. कैसे हो आप लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे. हम बिल्कुल ठीक हैं. और आज का व्लॉग दिखाने वाले आपको क्या होने वाला है आज. खैर, उस घर पे भी जाना है. मम्मी आ गई हैं, दो दिन इसलिए मैं रुक गई थी क्योंकि तबीयत अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है. मम्मी से गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही, आपने व्लॉग में देखा होगा. बट अब जाना तो होगा ही. और मेरा है एक सीन कि अगर मैं यहाँ जाती हूँ तो वहाँ जाना मुश्किल हो जाता है. वहाँ रहती हूँ तो यहाँ पर, मतलब मैं जितनी बार भी वहाँ से आती हूँ ना, कुल मुझे धक्के देके भेजता है, चली जा, उन लोगों ने चिया को इतना रखा है, वो बुला रहे हैं, चली जा. मतलब एक जगह जाके फिर जाम हो जाती हूँ मैं. अब यहाँ से वहाँ ले जाना मुश्किल हो जाता है कुलदीप को कि आ जा मेरी माँ, अब तो आ जा. परेशान हो रहा हूँ मैं, वो चीज़ है. सुची उरानी मस्त अपना मामू के साथ खेल रही है आज. उसके मामू जल्दी आ गए हैं क्योंकि चीज आने वाली है. एंड ये मैंने अपना पुराना सा सूट पहना है यार, जो कि मेरे आने बंद हो गए थे. और मैंने अपनी मम्मी के भेज देती हूँ कि मम्मी दे देना, आप किसी को नीड हो या मेरी भी कजन सिस्टर हो. तो मम्मी ने संभाल रख रखे थे दो चार सूट, और जो मेरे को अब आ गए हैं यार. मैंने कहा चलो मम्मी का भगवान भला करे. तो वो चीज़ मैंने इसलिए फिर ये वाला पहन लिया. अच्छा लगा था मुझे, येलो कलर पसंद भी है, तो इसलिए फिर मैंने ये वाला सूट डाल लिया है. और हेड वॉश मैंने कर लिया है. अभी देखते हैं आज क्या होने वाला है, क्या वीडियो में दिखाने वाली हूँ आज मैं आप लोग. ये अपने मामू के पास बैठ के यहाँ अपना खेल रही है मस्त. नहीं मेरा चांद नहीं, छबे छबे बोलेंगे अंदर भी नहीं पहनूंगा तो शेम शेम है जी. हाँ हाँ हाँ. सो गाइज, बेटियाँ इतनी वो होती हैं, मतलब देखो इसको सारे दिन रखती मैं हूँ, खिलाती मैं हूँ इसको पूरे दिन. देखो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कराना, इसके लिए इतनी सारी शॉपिंग करती हूँ मैम. एंड मैडम ने सबसे पहले बोलना क्या स्टार्ट किया है, पापा. अच्छा क्यों परेशान हो रहा है, क्यों परेशान हो रहा है? नॉजी नहीं क्लीन करो बस इसकी. हाँ, गंदा गंदा बच्चा बन के रहना है, गंदा बच्चा बन के रहना है आपको. नॉजी तो क्लीन करवानी पड़ेगी आपको, छोड़ दो बिट्टू. अच्छा ये आप अपनी क्रीम ले लो, इसको इसको मतलब ये है कि मेरे को रोज कुछ नया चाहिए खेलने के लिए. बच्चा आपको जितना शरारती एक छोटू सा दिखेगा ना, जैसे मैं खुश होती थी वाओ मेरी औलाद कितनी सीधी है, एंड मुझे बिलीव भी नहीं होता था उतनी ये इसने मेरे भी नाक पे दम कर रखा है. आप ऐसे बोल के बताना मम्मा जी, बोलो मम्मा. देहोसरी मजाक उड़ा रही है जी, बोलो मम्मा. मम्मा जी, मम्मा जी, बोलो मम्मा. अच्छा पापा जी, पापा 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 पापा. चू बोले पापा, ए चू ऐसे बोल पापा, बोले पापा. सी पूरे दिन पापा 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 रखती है. चू पापा, नो 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 नो, बोल पापा. अच्छा मम्मा को भी कोई नया, तो ये देखो देखो ये देखो, वाओ क्या इसमें से क्या आई चू, क्रीमी क्रीमी. अच्छा बोलो पापा, बोलो पापा. लो मम्मा अपना चूड़ी दे, ऐसे बोलो मम्मा. चलो मम्मा मम्मा. जी बोल ना मम्मा, बोल दो मम्मा. मम्मा मत कर मेरी बेइज्जती बेटा, बता दे मम्मा. अब क्या, अब ये भी चाहिए इसको. ये भी दूंगी प्रॉमिस, ऐसे बोलो मम्मा. पा, पा,
पहले बोलो मम्मा, हाँ फिर बाद में कैमरा दूंगी, पहले बोलो मम्मा 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 मम्मा। सो गाइस अभी मैं चियो को डायपर वेयर कराऊंगी और मैं जो डायपर यूज करती हूँ ना वो लवलव ब्रांड के यूज करती हूँ, क्योंकि इनके जो डायपर होते हैं ना काफी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, अच्छे होते हैं और इनके जो एब्जॉर्प्शन पावर होती है, इनकी जो एब्जॉर्प्शन पावर होती है काफी ज्यादा अच्छी होती है। एंड मैं शुरू से ही लवलव ब्रांड के डायपर यूज कर रही हूँ क्योंकि वो बेबी की एज और वेट के अकॉर्डिंग आते हैं। सो अभी जो मैं चूकले डायपर यूज करती हूँ एम साइज का यूज करती हूँ, न्यू बॉर्न बेबी से ही मैं उस लवलव के डायपर यूज कर रही हूँ क्योंकि काफी ज्यादा अफोर्डेबल भी होते हैं और काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। गुड, नेक्स्ट मैं लेके जाऊं दूध लेकर। एंड आप इनको अगर परचेज करना चाहते हो तो इनका जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको ये लवलव की ब्रांड साइट पर अमेज़न पे इजीली मिल जाएंगे। ये आते हैं 5 लेयर सुपर लाइट कोर के साथ में जो कि आपके बेबी को अच्छे स्लिप एंड कंफर्ट देता है। इसमें आपको लिक लॉक मैकेनिज्म मिल जाता है जो कि इंश्योर करता है 0 लीकेज थ्रू टाइप थाई टू वेस्ट एरिया। इसमें रैशेज होने का डर भी बहुत कम होता है क्योंकि ये आता है एंटी एलोवेरा लोशन के साथ में। इसमें आपको 10 मिलियन ब्रीथेबल पोर्स मिल जाते हैं जो कि बेबी को ब्रीथेबिलिटी एंड कम्फर्ट देते हैं। इसमें आपको वेटनेस इंडिकेटर मिलता है जो कि इसके फुल होने पे ड्राई होने पे ग्रीन कलर में टर्न हो जाता है। अगर हम इसकी मटेरियल की बात करें तो इसकी टॉप शीट एंड बैक शीट सॉफ्ट कॉटन से बनी होती है जो कि बेबी को बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टनेस देती है। सो गाइस अभी मैं एक बार चियो को लेकर जा रही हूँ डॉक्टर के क्योंकि इसके जुकाम जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है। मैंने यहाँ एक डॉक्टर को दिखाया था बट उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 15 दिन हो गए तो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिससे वो इतनी चिड़चिड़ी हो रही है ना, आपको पता है जुकाम और खांसी तो ऐसी होती है इंसान बड़े बड़ों को परेशान कर देती है। तो उसका रेगुलर नाक बह रहा है और वो बहुत ज़्यादा इरीटेट हो रही है, रात को सो भी नहीं पा रही है अच्छे से। मैं नेजल ड्रॉप डाल रही हूँ उसके बट फिर भी कितने दिन, 15 दिन हो गए। तो मैंने एक बार घर जाने से पहले डॉक्टर के दिखाती हूँ क्योंकि वो इस साइड ही है जिनके मैं दिखाती हूँ, तो बस पापा को बुलाया है मैंने और उसको फटाफट से दिखा के लेके आते हैं। गाइस चिया को मैं डॉक्टर के नहीं लेके गई हूँ, मम्मी पापा ले गए हैं क्योंकि मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल ख़राब हो रही है, यहाँ से गला बिल्कुल चोक हो रहा है, तो उनको फिर डॉक्टर के जाना था तो मैंने कहा फिर आप ही दिखा लो। और मैं अपने लिए बना रही हूँ दाल क्योंकि दाल पी के ही चली जाऊँगी फिर मैं, मतलब मेरे डिनर में है दाल, उस अकॉर्डिंग मेरा जाने का ना 1% मन नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है पता नहीं, क्योंकि तो मेरी नेक में बहुत दर्द हो रहा है, मम्मी की भी तबीयत खराब है बट प्रेशर आ गया ऊपर से तो जाना पड़ेगा बस। मैं तब मैंने कहा आप दिखा लो, मैं सामान रख लेती हूँ अपना। और मैं आई थी तो थोड़ा सा सामान लाई थी और अब इतना सामान हो गया समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या हो गया है, तो मैं पैकिंग वैकिंग कर रही हूँ जब तक मम्मी और आ जाए। अंकित का देखो आ जाओ, इन्हें पता ना कि बाहर लेके जाओ है जा रहे हम, बाय बाय कर दो, बाय कर दो तो नारी गाड़ी में गोटी खाला जाओ तो बाहर निकले गोला पड़ता तो ध्यान रखो आदो मान रे गाइज़। अभी हम लोग निकल चुके हैं, मम्मी डॉक्टर के गए हुए थे इससे थोड़ा लेट हो गए, तो मैंने बताया था मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और चियो को देखिए अब बिल्कुल आने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसको बस ऐसा था कि नानू नानी मामू के पास ही रहना है। अभी भी इसको देखिए अब कैसे गेट के टंगी हुई है, बच्चों का होता ही। सो
कुलदीप का भी आज फास्ट है तो उनको भी भूख लग रही थी, तो हम लोग आए हैं बस जल्दी से, घर पहुंचते हैं, खाना वाना खाएंगे। हाँ जी गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ घर पे और ये नेक्स्ट डे मतलब कल मैं आ गई थी, आपने जो क्लिप देखी रात की, मैं लेट हो गई थी, देन आके वही सब बातें बातों में लग गई, कुलदीप को खाना वाना खिलाया क्योंकि उनका फास्ट था, और उसके बाद में क्या किया, चू के लिए दूध वूध गर्म करना इन सब में मैं लग गई थी, तो फिर लेट हो गया था शूट नहीं किया। सुबह से मैं अपने कमरे की साफ़ सफाई इन सब में लग रही थी। जीजा चले गए हैं अपने पीहर आज, वो दो दिन बाद आएंगे। सो बस मैं मेरे रूम के बेडशीट वगैरह साफ़ के लिए हटाई है, पूरा रूम पूरा ऐसे डस्ट से भर रखा था गंदा वाला। सो चू को आपको वैसे पता है स्किन एलर्जी है, तो मैंने फिर ये पूरा का पूरा अभी सब कुछ क्लीन किया है, सारा बेड वगैरह, तो चू सो रही है। कपड़े इतने सारे हो गए हैं धोने के लिए, मेरे तो खैर नहीं है, मेरे तो वही है जो अब चेंज किए हैं, चियू के हो गए हैं और कुलदीप के हैं, बेडशीट हो गई हैं, तो ये सब करके बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। रूम की अभी डस्टिंग वगैरह चली रही है, झाड़ू वगैरह निकाल रही हूँ। सो व्लॉग कुछ ऐसा है, और अभी मेरे को एक बार नहा के या तो मैं कपड़े रात को धोऊंगी खाना वाना बना के, क्योंकि मेरे को एक बार जा रहा आस्था परिधान, एक ड्रेस का मुझे शूट करके आना है, उनको भी अर्जेंट है, मैंने पहले बोल दिया था ध्यान नहीं था, तो मुझे वो भी करके आना है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ पहले शावर ले लेती हूँ देन ये सब काम करूँगी। एंड यहाँ पर है ना, मतलब एक दिन आप साफ सफाई ना करो इतना धूल जम जाती है, और ये मैंने अपनी मैट नीचे बिछा दी क्योंकि भाई अब जियो क्रॉल करती है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ये सब मैं रात को करूँगी जब कुलदीप आ जाएंगे, तो क्योंकि चियो को रख लेंगे। और ये देखिए आप कपड़े देखिए धोने के इतने सारे, ये भरा है सब कुछ। सो गाइस, मैंने फटाफट से ले लिया है शावर, चियो को थोड़ा सा मैंने खाना वाना भी खिला दिया है, और रेडी में कुछ नहीं हुई हूँ, बस बिंदी मैंने लगाई है, सूट मैंने डाल लिया, मैं फटाफट से जाके एक बार शूट करके आऊँगी, क्योंकि यार मेरे को ना इतना ज़्यादा काम पड़ा है ना, मेरे को किचन करनी है, आके खाना वाना बनाना है, बर्तन पड़े, कपड़े आपने देख ही लिए ना, पर मैंने कहा वो थोड़ा सा अर्जेंट है तो वो फ्री करके आ जाती हूँ, तो वो सब चीज़ें आके फिर कुलदीप को जल्दी बुलाऊंगी और वो चिया को संभाल लेंगे, मम्मी जी रख लेंगे, देन मैं लगूंगी काम के आज, तो मेन खाने वाने का करके फिर मैं लगूंगी। और इसकी मुझे चुन्नी नहीं मिली तो मैंने जस्ट एक वाइट कलर का ऐसे दुपट्टा सा डाल लिया है। देखो उसको, कौन गया, आप खुद गए हो, बाहर आओ बाहर आओ बाहर आओ, लो मम्मा का हैंड पकड़ो, बाहर आओ, आओ बाहर बाहर आ जाओ। सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ आस्था के घर पे, और मैं ना जो बेसिक चीज़ थी ना वो भी लाने भूल चुकी हूँ। सभी देखते हैं कि जुगाड़ हो पाते हैं क्या, रेडी होती हूँ फटाफट से सूट में। जीजा तो रेडी है और चियू नीचे है, मेरे ये सूख है टचूड थू 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 कि सबके पास रहती है, सबके पास जाती हूँ ना, कई बच्चे होते हैं ना जाते ही नहीं है किसी के पास, बट वो चली जाती है, तो मैं फटाफट से, मेरी ना यहाँ पर पूरा स्ट्रेच आ रखा है दो दिन होकर, पता नहीं चढ़ गई है क्या गई, स्वेलिंग आ रही है, मतलब मैंने जीजा को दिखाया था। सो मैं फटाफट से चेंज कर लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि अभी क्या लेटेस्ट कलेक्शन आया है, और पहले आपको सूट ही दिखा देती हूँ। तो ये है वो सूट, बॉम्बे कॉटन है, और यार इन गर्मियों में ना यही जो फैब्रिक है जो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है यार, और इसमें है ना ये मगजी अलग करके आया है, पहले भी आया था इससे मिलता जुलता पैटर्न, बट अभी डिफरेंट ही आया है कि इसका ना एक तो कलर बहुत ही बेसिक से, मतलब माइल्ड से कलर जो समर्स में बहुत अच्छे लगते हैं, सॉफ्ट जो कलर होते हैं, और ये देखिए इसके अंदर ये मगजी अलग करके पैटर्न ये वाला स्टिच करवाया है, इसमें आप इधर देख सकते हो ना ब्लू कलर की पाइपिंग सी भी निकली हुई है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा थोड़ा वो काम है, बाकी पिंक कलर के साथ में, तो बहुत ही सुंदर सूट लगेगा, मैं आपको वेयर करके दिखाती हूँ एक बार ये। सो गाइज, मैं हो चुकी हूँ रेडी, और आप देख सकते हो बहुत 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 प्यारा सूट है, मुझे तो गर्मियों में इसी टाइप के सूट पसंद है, और आप देखिए इस पैटर्न में सिलवाया गया है, मतलब ये मगजी अलग थी ना, तो आपने देखा सेम ये वाला पैटर्न सिलवाया है जैकेट, सो बहुत सुंदर लग रहा है, और आप इस तरीके से अपने जो कॉटन के सूट हैं उनको सिलवा के सुंदर बना सकते हो। अगर आप परचेज करना चाहते हो तो स्क्रीन पर मैं नंबर डाल रही हूँ, स्क्रीनशॉट डाल रही हूँ इनके पेज का, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। तो फटाफट से चलते हैं, शूट कम्प्लीट करते हैं। सो गाइस, ये वही सूट है जो मैंने वियर कर रहा हुआ अभी, ये मेरी बेटी है।
गाइज ये बिल्ली रास्ता काट गई, अब मैं शूट नहीं कर सकती, आज से पहले तुम जाओ फिर जाऊंगी मैं। सब वेट कर रहे हैं, अंकल आ रहे हैं। सो गाइज मैंने ही फिर रिस्क लिया, ये लोग तो आने को तैयार नहीं थे आगे। और हम देख सकते हैं अपने कलर अलग है ना। हाँ कलर तो अलग ही है। अच्छा सेम लगा आपका, थोड़ा ग्रीन में मेरा ब्लू में आ रहा है। हाँ तो हम लोग आ चुके हैं पास में ही अपना शूट करने। वाह हम तो यहाँ पर आते बहुत गोरे हो गए। चलो हम गोरे हैं ही, वो तो है ही नेचुरल। सो ये हमारे डायरेक्टर साहब हमें डायरेक्ट करते हैं कैसे क्या करना है हमें। एक ने घूंघट निकाला है, दूसरे ने नहीं निकाला। अपने अपने हम छोटे मोटे ये बीनी है, देखो हम बड़े में आ गए हैं। तो बीनी आपस में हां ओ ले बीनी डाल गए हम आगे। मां के बस 25 साल की बात है तो जमा ही आ गए। सो गाइस अभी आ चुकी है बारिश। मैं बड़ा खुश हो रही हूँ, बारिश मौसम अच्छा हो गया। शूट वूट करके मैं घर आ गई हूँ, और घर आते ही सबसे पहले मैं अपना किचन का काम करने लगूँ, खाना वाना बनाना, फिर पापा रह जाएंगे, देन मैं लगाऊंगी मशीन। हाँ अच्छी हमारी रुकी नहीं रही है, ची बोल रही मम्मा के पास रहना है। आ जाओ आओ तो आ जाओ आओ। अभी थोड़ा बाहर रह गई ना तो उसको थोड़ा वो जाता है, फिर अकेली भी आज क्या पापा को बुलाएंगे जल्दी। रोना नहीं रोना नहीं। मेरा पिया घर आया। ओ फालमा क्या लायो, ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, जो हैंकी ऐसे रख लेते हो यहाँ पर। वो मेरे को दिखा ही नहीं आज पूरे दिन गाइस। तो मैंने देखिए भरी गर्मी में इनके लिए मैंने गाइस इनके लिए दो दो सब्जियां बनाई, और फिर भी ये आदमी क्यों आप पूरे दिन पनीर की सब्जी लाऊंगा मैं, सही बताओ। अरे यार मैं तो वेट कर रही थी पनीर की सब्जी आएगी तो आधी एक रोटी मैं खा लूंगी। सब पता है मेरे को, आप नमकीन और इस आम के साथ रोटी खाओगे। बनाऊंगी। सो गाइस इस व्लॉग को मैं कर रही हूँ ये एंड, होप सबको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, ऑल्सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको इतने प्यारे प्यारे सूट लेने हैं तो आप आशा परिधान को फॉलो कर सकते हैं, नंबर मैंने दिए हैं, परचेज कर सकते हो। सीरियसली गाइस बहुत सुंदर सूट था, वेयर करने के बाद में बहुत ही प्यारा लग रहा था, आप खुद देख सकते हो पहनने के बाद में कितना अच्छा लग रहा है।